अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक जी। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ आप लोगों को लौकी की भुजिया किस तरह बनती है। ये मेरे पास लौकी है और ये मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, मैंने पूरी वीडियो स्टार्ट में नहीं दिखाया, थोड़ा सा मिस हो गया था। सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डालने के बाद प्याज डाल दी और अब ब्राउन हो रही है। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ जब तक कि मेरी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। अभी वाइट ही है, अभी ब्राउन होने वाली है। तो हमारे प्याज हो गए ब्राउन, अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा पकने दीजिए। जब थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो आप उसके बाद आपने लौकी डाल ली। अभी मैं थोड़ी सी खुशबू आ गई फिर, तो ये देखें मेरे प्याज ज़्यादा ब्लैच रखे हैं, ब्राउन हो गए हैं। लाइट थोड़ी सी कम है, इस वजह से आप लोगों को ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। तो अब मैं इसमें लौकी डालूंगी, ठीक है। लौकी मैंने काट के पहले ही रख दी थी, मिर्च डालूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लौकी। लौकी डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और ये लौकी की भुजिया बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों को किस चीज़ की चाहिए। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इसमें नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना था तो मैंने पानी के अंदर ही सारे मसाले ऐड कर लिए, क्योंकि मुझे लौकी अभी थोड़ी सी भूननी है। तो अब मैंने इसकी भुनाई कर ली है, पानी जो डाला था वो सूख चुका है, ख़त्म हो गया। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट, सिर्फ एक टमाटर ही है, पीस लिया था मैंने इसे पहले। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसे मैं छोड़ रही हूँ हल्की आँच पे, लौकी गल जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।